एटन रन के बाद दूसरा कानून है CAA, जिसकी भी माउंट लिंचिंग की कोशिश की गई थी और शायद एक बार फिर से उसकी कोशिश की जा सकती है। सीए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता कानून 2019 में इस कानून के विरोध में शाहीनबाग आंदोलन और दिल्ली दंगे हो चुके हैं और अब ये कानून 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू होने जा रहा है। इस सीए कानून पर ओवैसी ने संकेत दे दिया कि देश को फिर शाहीनबाग बनाने की कोशिश हो सकती है। सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली। CAA is anti-constitution. It will be a grave injustice, especially to the Muslims. कितनी बार ये खबरें, कितनी बार हवा हवाई बातें, एक बार और से। क्या धर्म एक्स्ट्रा टेरिटोरियली या टेरिटोरियली नागरिकता का आधार हो सकता है या नहीं? संसद से पारित कानून है, लागू तो होगा, होकर रहेगा। नागरिकों से संवाद करना चाहिए क्योंकि देश की विविधता इस देश की पूंजी है। ममता बनर्जी इस राज्य के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सभा नेत्री जो है, साफ सुथरे भाषा में उन्होंने कहा कि CAA बंगाल में नहीं लागू होगा। चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और तो मुद्दा है क्या? देखिए, आज से 11 दिन पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने गारंटी दी थी कि सीए लागू होकर रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में कहा था कि सीएए देश का कानून है और इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज की बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएए कानून की गारंटी भी पूरी करने जा रही है। अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। सीए पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2024 के चुनावों की घोषणा से पहले ही केंद्र सरकार सीएए यानी कि नागरिकता कानून लागू कर देगी। इस खबर का मतलब यह है कि भारत में 100 दिन के अंदर नागरिकता कानून लागू होने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है ये। 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में होने वाले हैं, सब जानते हैं। मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा और इससे पहले ही भारत में नागरिकता कानून लागू हो चुका होगा, ऐसी संभावनाएं हैं। अब क्या है ये नागरिकता कानून? बहुत डराया ना कुछ लोगों ने इसको लेकर, इसकी भी मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई थी। ये वही नागरिकता कानून है जिसके खिलाफ शाहीनबाग आंदोलन के जरिए दिल्ली को 55 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था, याद है? दंगे हो गए थे दिल्ली में, भीषण दंगे हो गए थे। लागू नहीं होना चाहिए, कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी इन दंगों पर। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि दिल्ली दंगों को पूरे देश में फैलाने की बात कही गई थी, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाने की बात कही गई थी। सीए के खिलाफ ये अफवाह फैलाई गई थी, क्या है कि ये कानून भारत से मुसलमानों को निकालने के लिए है। सच ये है कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, आप समझिए सीएए का भारतीयों से कोई लेना देना ही नहीं है, ये नागरिकता देने वाला कानून है सीएए। भारत सरकार सीए को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है ना, उसमें इस कानून के जरिए भारत के 3 पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। सीएए का यह कानून 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों पर लागू होगा जो वहां के अल्पसंख्यक है जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन होता है। इस कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के प्रताड़ित वहां की माइनॉरिटी को जो कि हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, उनको नागरिकता मिलेगी क्योंकि उनका वहां प्रताड़ित उनको किया जा रहा है। प्रताड़ित अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। यह कानून नागरिकता लेने वाला है ही नहीं, यह देने वाला है, भारतीयों से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी मोदी सरकार राम मंदिर का प्रण पूरा करने के बाद नागरिकता कानून का प्रण पूरा करने में जुट जाएगी। सूत्र भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इसके लिए नियम तैयार कर लिए हैं। माना जा रहा है कि इस कानून से भारत में रह रहे 32,000 से ज्यादा गैर मुस्लिम शरणार्थियों को फायदा मिलेगा, समझ गए आप, इन्हें भारत में नागरिकता का अधिकार मिलेगा। क्या हुआ 2019 में जब नागरिकता कानून पास हुआ था तब कांग्रेस, TMC, NCP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, समाजवादी पार्टी, AIMIM, ज्यादातर मुस्लिम संगठनों ने सीए का विरोध किया।
भारतीयों से कोई लेना देना नहीं, डराया गया कि नागरिकता चली जाएगी मुसलमानों की और भारतीयों से कोई लेना देना ही नहीं है इस कानून का। पड़ोसी मुस्लिम देशों के प्रताड़ित गैर मुसलमानों को, गैर मुसलमान छोड़िए वहां का जो माइनॉरिटी है, उनको नागरिकता का यह कहकर विरोध किया गया था कि यह देश की सेक्युलर छवि और संविधान के खिलाफ है। इस कानून के विरोध में मांग की गई थी कि अगर पड़ोसी देशों के गैर मुसलमानों को नागरिकता दी जा सकती है तो घुसपैठिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को क्यों नहीं। अब पाकिस्तान के मुसलमानों की गारंटी कौन ले कौन ना ले, लेकिन अगर हिंदुओं का रिलीजियस पर्सिक्यूशन हो रहा है वहां पर, इनको तो लाना पड़ेगा ना। अब जब मोदी सरकार सीए पर अपनी गारंटी पूरी करने जा रही है ना, तभी उसी तरह से देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि ये चुनावी हथकंडा है, टीएमसी कह रही है कि देश का कानून बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, ममता कह रही है लागू नहीं होने देंगे बंगाल में, ओवैसी वही डर की दुकान खोलकर बैठ गए। ये कानून मुसलमानों के साथ घोर अन्याय है, भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है सीएए का। सुन लीजिए क्या पॉलिटिक्स हो रही है। CAA is anti-constitution. It will be a grave injustice, especially to the Muslims. हमारी नेत्री ममता बनर्जी, इस राज्य के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सभा नेत्री जो है, साफ सुथरे भाषा में उन्होंने कहा कि CAA बंगाल में नहीं लागू होगा। बंगाल के लोग भारतवर्ष के नागरिक हैं। It's very clear for all these years since the law has been passed. The rules were framed, we were told, but they were not notified. Clearly, they want to notify these rules just before the election to use this as a political weapon.